हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है न्यूट्रीमेंट। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताने वाले हैं जो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, जो आपके लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। आज हम बात करेंगे घर में बैठकर अपने फेफड़ों को मजबूत कैसे बनाएं, ताकतवर कैसे बनाएं, हाउ टू इंक्रीज लंग कैपेसिटी एट होम, अपने लंग की हेल्थ कैसे सुधारें, कौन सी एक्सरसाइज करें। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है दोस्तों। आपकी लंग की कैपेसिटी का मतलब है कितना टोटल अमाउंट ऑफ एयर आपका लंग होल्ड कर सकता है। समय के साथ, उम्र के साथ, धीरे धीरे पोल्यूशन से, स्मोकिंग से कई बार आपके लंग की कैपेसिटी कम होने लगती है। ऐसे में आपको अगर कोई बीमारी हो जाए जैसे कि COPD, अस्थमा, TB, कोरोना, तो आपका लंग खराब होने की स्पीड बढ़ जाती है, आपके लंग की कैपेसिटी कम होने लगती है, सांस फूलने लगेगी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगा। आपके फेफड़ों की हालत सुधारने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, कुछ तरीके हैं जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। इससे आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी भी है तो आपको ऑक्सीजन लेने में आसानी होगी या मदद होगी। तो क्या है ये सिंपल टेक्निक और कैसे करनी है ये एक्सरसाइज? इसमें आज हम बात करेंगे दो प्रकार की एक्सरसाइज, इनहेल और एक्सहेल, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। जितना ज्यादा आप लंग को खाली करोगे उतना अच्छा है। इसको करना बहुत ही आसान है, सिंपल है। जितना स्लो करोगे और ज्यादा टाइम करोगे उतना अच्छा है, उससे आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। उसके लिए आपको दो चीजों की या डिवाइसेस की जरूरत होगी। एक है लंग एक्सरसाइजर, जिसको स्पायरोमीटर कहा जाता है, और दूसरा है ब्रीदिंग बलून। ये दोनों चीजें बहुत ही सस्ती है और यूज करने में आसान है। अगर आपको ये चीजें परचेस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। इसमें से लंग एक्सरसाइजर या स्पायरोमीटर इजीली आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, परंतु ब्रीदिंग बलून सिर्फ और सिर्फ नीचे दिए गए डिटेल्स पे ही आपको मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस का इस्तेमाल कैसे करें। पहला है लंग एक्सरसाइजर या फिर जिसे कहा जाता है स्पायरोमीटर। इसे कैसे यूज करते हैं ये जानने से पहले इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं। इसमें एक ट्यूब होता है, उसको एक माउथ पीस अटैच होता है और तीन कंपार्टमेंट वाला एक कंटेनर होता है। हर एक कंटेनर में अलग अलग तीन कलर के बॉल होते हैं जो कि अलग अलग फ्लो रेट को दिखाते हैं, 600 cc, 900 cc एंड 1200 cc। पहले माउथ पीस को पाइप से अटैच करें, उसके बाद पाइप को कंटेनर के साथ अटैच करें। आप स्पायरोमीटर को बैठ के या खड़े होके इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज करते समय स्पायरोमीटर को अपने आई लेवल पे रखना चाहिए। स्पायरोमीटर एक उपकरण है जिसे आपको गहरी सांस लेने में मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं स्पायरोमीटर का यूज कैसे करें। उपकरण को अपने सामने सीधा पकड़े, सांस बाहर छोड़े, माउथ पीस को चारों ओर से अपने ओठों से कस के बंद करें, अपने मुंह से धीरे धीरे और गहरी सांस ले, सांस को अंदर की ओर खींचे। जैसे जैसे आपके फेफड़ों में वायु छिद्र खुलेंगे, धीमी गहरी सांस से बॉल ऊपर उठेगा। 3 से 5 सेकंड सांस रोके, फिर धीरे धीरे सांस छोड़े और बॉल को नीचे लौटने दें। यह प्रक्रिया 10 बार दोहराए। 10 बार सांस लेने के बाद खांसे, इससे आपके फेफड़ों में जमा होने वाले स्राव निकल सकते हैं। यह प्रक्रिया हर 2 घंटे में करें या निर्देशानुसार दोहराए। स्पायरोमीटर हमारे लंग फंक्शन को दर्शाता है। लंग फंक्शन हमारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे कि हाइट, वेट, एज, बॉडी मास इंडेक्स। ये जरूरी नहीं कि हर आदमी तीनों ही बॉल को ऊपर उठाए। हो सकता है कि किसी के लिए उसका दूसरा बॉल उठाना ही नॉर्मल है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप तीनों बॉल उठा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं दूसरे उपकरण के बारे में, डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है ब्रीदिंग बलून। यह एक अलग टाइप का बलून है, अच्छी क्वालिटी के रबर से बना हुआ बलून है। ऐसे टाइप का बलून आपको मार्केट में मिलना मुश्किल है। ये सामान्य बलून से अलग है, यूनिक है। ये बलून को एक ट्यूब अटैच है, उससे आपको यूज करने में आसानी हो। इसकी विड्थ 6 इंच है और लंबाई लेंथ 10 इंच है और ट्यूब की लेंथ 3 इंच है और टोटल लेंथ 13 इंच है। ये बलून के लिए अच्छे क्वालिटी के रबर का इस्तेमाल किया गया है और स्पेशली डिजाइन किया है। ये यूज करने में बहुत ही आसान है, मेंटेनेंस फ्री है
और आप इसको 5-6 साल तक कितना भी यूज कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। सिंपल बलून से आप इजीली हवा नहीं भर सकते, लेकिन ये ब्रीदिंग बलून आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो बलून का जो ट्यूब है उसे पानी से धो लीजिए। आपको सीधा बैठना है और बलून के ट्यूब को मुंह में पकड़ना है। धीरे धीरे बलून में हवा भरनी है, आपकी सांस बाहर छोड़नी है, एक्सहेल करना है, जितना हो सके उतनी हवा भरनी है। अगर आपको लगता है कि अब आप इसके ऊपर बलून में हवा भर नहीं सकते तो आपको रुक जाना है। बलून को मुंह से बाहर निकालना है और लंबी सांस लेनी है। हाथ की मदद से बलून को दबाकर बलून से हवा निकालनी है। उसके बाद आपको वापस ये प्रोसेस करना है। 10 से 15 बार ये प्रोसेस रिपीट करनी है। याद रखें, आपको ये दोनों उपकरण एक के बाद एक यूज करने हैं। आपको स्पायरोमीटर और ब्रीदिंग बलून दोनों उपकरणों का प्रयोग करना है, क्योंकि आप स्पायरोमीटर से सांस अंदर ले रहे हैं और ब्रीदिंग बलून से आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं। आपके लंग के लिए ये दोनों, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, जरूरी है। ये दोनों उपकरण बहुत हल्के और सस्ते हैं। इसको यूज करना बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो हर एक के लिए अलग उपकरण चाहिए, क्योंकि अगर एक कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका इन्फेक्शन सबको हो सकता है। ये दोनों एक्सरसाइज आपको सुबह, दोपहर और शाम को 10 से 15 मिनट के लिए करनी है। माइल्ड सिम्टम्स कोरोना के हैं या आपको कोरोना हो चुका है तो उनके लिए भी ये एक्सरसाइज मदद करेगी, ताकि उनके लंग कोलैप्स नहीं हो। आपको पता ही है, कोरोना में निमोनिया पैच बनने लगता है। कोरोना से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। ये एक्सरसाइज कोविड की सिचुएशन में आपकी जान बचा सकती है, आपको हॉस्पिटल जाने से रोक सकती है। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर सकती है। जो लोग जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उनके लिए उनका एंड्यूरेंस बढ़ाने के लिए और लंग कैपेसिटी चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज की जा सकती है। अगर आपको अपने लंग को मजबूत करना है, आने वाले दिनों में प्रेजेंट सिचुएशन में लंग से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। स्पायरोमीटर और ब्रीदिंग बलून के एक्सरसाइज आपको COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, थायराइड, बैक पेन, निमोनिया और सांस की बीमारी, इन रोगों में फायदेमंद है। और अगर आप हर दिन ये एक्सरसाइज करते हो तो आपके फ्यूचर में ये बीमारियां होने की भी चांसेस कम है, आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। पायरोमीटर और ब्रीदिंग बलून परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक से आप खरीद सकते हैं। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन रिसर्च पर बेस्ड है। रिसर्च पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।